कहाँ हम आपको लाहौर और ये सारे नॉर्दर्न एरियाज के ट्रिप्स में देखते थे और कहा आप माशाल्लाह हमारे साथ खड़े। यहाँ पे मैंने देखा है अक्सर जो घर की बैक साइड पे लॉन होता है ना, अक्सर लोगों ने तो उसमें किचन को एक्सटेंड किया होता है, लेकिन कुछ इसको क्या कहते हैं आसिफ भाई? कंजर्वेटरी। ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, इसलिए मैंने पूछ लिया था कि मैं कब आई गलत ना बोलूं। आप इसको ग्लास हाउस भी कह सकते हो या ग्लास रूम कह सकते हो। अब ये देखिए आसिफ भाई की मोहब्बत, इन्होंने अपनी फ्रिज पे मीनार पाकिस्तान भी लगाया हुआ है और बासी मस्जिद भी लगाई हुई है। ये इनका पहले गैराज था जिसको इन्होंने रेनोवेट किया। जैसे पाकिस्तान में हमारी अफ्तारियाँ होती थीं और बंजन के बैठ के हम फैमिली अफ्तारी करते थे, लेकिन वो चीज़ हम इधर मिस करते थे। तो इस कम्युनिटी सेंटर में जब हम इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं तो इससे हमें ना वो फीलिंग आ रही है। तो आपने बता दिया कि उम्र बट आ रहे हैं। मैं का जी बट सब आ रहे हैं, मेन्यू डबल कर दियो। याद आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग खुद भी तहज मैनेज करते हैं, फेस को वाइट करते हैं और बाद में खा पी के आप खुद दवाइयाँ भी करते हैं और उन लोगों से बातें कर रहे होते हैं ये पाकिस्तान और यहाँ की लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड और आपका भाई उमर। रमजान की जो अफतारियाँ वो चल रही हैं, नाला की बातें भी चल रही हैं, खाली अफतारियाँ नहीं चल रही हैं। एपिसोड किया था व्हाइट चैपल मॉस का, उसका बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आया और मेरा प्लान है कि मैं सेंट्रल मॉस जो है ना लंदन की वहां पे भी टूर लगाऊं। और आज का लेकिन प्लान ये है, यासिर भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे और उन्होंने बताया कि आप मिल्टन कीन शिफ्ट हुए हैं और वो काफी अरसे से मेरे व्लॉग देख रहे थे और बता रहे थे कि मैं नॉर्थहैम्पटन रहता हूँ जो कि यहाँ से 30-35 मिनट की ड्राइव है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी स्कैटर्ड है, उस तरह से डोमिनेंट मुस्लिम जो है वो पॉपुलेशन इस शहर में नहीं है, तो इनका मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा था कि ये लोग अपने घरों से खाना लेके आते हैं और फिर कम्युनिटी हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहां पे अफ्रीकन, नाइजेरियन, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन सब लोग जो है वो मुस्लिम फैमिलीज इकट्ठी होती हैं। तो मुझे तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जैसी उन्होंने मुझे बताई और मैंने फौरन से डन कर दी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ वहां पे, चल के देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा था तो इंशाल्लाह ये वैसे भी अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। लोग खुद से सारा काम करते हैं, अपने घरों से चीजें लेके आते हैं, किस तरह से इस चीज को मैनेज करते हैं, मेन्यू का डिसाइड होता है, ये सारी बातें हम चल के आज देखते हैं और पूछते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वैसे हैरत की बात है, अभी धूप निकल आई है और आधा घंटा पहले बिल्कुल रात वाला सीन था और बड़ी तेज हवा चल रही थी, दूध और पानी नहीं था, हम हो सकता रात को लेट हो जाएं। तो मैंने फिर एक जुगाड़ लगाई, नौफिल की ले गया साथ में उठा के ट्रॉली, तो उसमें मैंने चीजें रख ली और बर्फ पड़ना शुरू हो गई। टाइम भी बताया गया था कि 1 बजे के बाद स्टार्ट होगी और अभी 2 बजे हैं। 1 बजे हल्की हल्की हो रही थी और अब बहुत तेज हो गई है। आप देख रहे होंगे पैरी है। अभी मैं घर से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे आई है लिटल, तो ये एक आसानी है। तो चलें कोई नहीं, मैं भाग के पहुंच जाऊंगा। तो ये मैं 4 बोतलें दूध की, 2 लीटर की एक बोतल है, तो एक दिन में एक लगती है, और पानी की ये ले गया हूँ, बाकी ये सौदा दूसरा इसमें है, ये मेरी बग्गी है, इसी में मैं फिलहाल सामान सारा ले जाता हूँ। और इसमें भी अब बर्फ जमा होने लग गई है, वो देखिए इसके अंदर। चलें चलते हैं जल्दी जल्दी। ये जो कैमरे के करीब से आ रही है वो आपको नजर आएगी, वैसे काफी तेज हो रही है। हाँ ये आएगी नजर। तो अभी देखें आधे घंटे बाद मैं बस रेडी होकर नीचे आया हूँ, फिर धूप निकल आई है। ये जो है ना वेदर, ये पता नहीं साइंस में किवें समझ आंदा होगा, मैं तो यह सोचना वहां। 4 बज के मैंने उनको 4 बजे का कहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा और माशाल्लाह 3:50 में मैं अपने घर से निकल रहा हूँ और 45 मिनट का सफर है। और मैंने उनको ये भी बता दिया कि चले आपको फील तो आएगी ना कि पाकिस्तानी बंदों का इंतजार कर रहे हैं, आपको हम यूके में रह के पाकिस्तान की फील दे रहे हैं। आधा घंटा लेट हो गए, अभी मैंने लाइव लोकेशन उनसे शेयर कर दी है और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। अच्छा, हमारी भी जैसे M1 है ना इस्लामाबाद से पेशावर, M1 M2, यहाँ पे भी M1 M2 है। हमने मेरा ख्याल है यहीं से कॉन्सेप्ट लिया था ये वाला, और मेरा ख्याल था कि नॉर्थहैम्पटन पे हम लोग जाएंगे M1 से, मोटरवे इनकी जो मेन है, लंदन स्कॉटलैंड, लंदन ग्लासगो मोटरवे है,
लेकिन उत्थों सानू नहीं लैके जा रहा, बट स्टिल नैशनल हाईवे ही है। सड़क यहाँ पे भी 70 ही अलाउ है स्पीड, 70 माइल मतलब 115 किलोमीटर बनते हैं। बाकी मौसम अच्छा हो गया और जबरदस्त ड्राइव हो रही है, और मुझे लगता है यूके में इंशाल्लाह ड्राइव का मजा आएगा। जैसे जैसे ये गर्मी आती जा रही है ना, खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे टाउन आते हैं बहुत ही खूबसूरत, और ये जो टाउन होते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो लोकल होती है, मतलब वहाँ पे आपको पाकिस्तानी तो ना होने के बराबर मिलते हैं, और इसकी फील भी इंग्लिश फिल्मों वाली आती है मुझे तो। इसमें वैसे भी स्पीड लिमिट बहुत वेरिएट करती है, जैसे ही कोई टाउन आता है तो 30 की स्पीड आ जाती है, टाउन से आप निकलते हैं तो स्पीड आपकी 60 पे चली जाती है, 50 पे चली जाती है। जी तो पहुंच गए हैं हम नॉर्थहैम्पटन शायर, और 45 मिनट लेट हैं, लेकिन मैं उनको वक्त लम्हा बलम्हा बता रहा था मैं कितने हैं। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा घर है, और इनके पास इन्होंने कहा था पहले आप मेरे पास आएँ, वहाँ पे बैठ कुछ बात करेंगे और फिर वहाँ से आगे जाएंगे। और बाहर निकले मत यहो जी हवा बजी है ना, मैंने फिर फटाफट जैकेट पहन लिए, मैं कहा एडा हीरोइज़म मैं ना ही दिखाऊँ। और यासिर भाई ने मुझे मैसेज किया था, बल्कि पहले मैसेज किया था इनकी बेगम ने, और मेरी बेगम ने उनको रिप्लाई किया और मुझे बताया नहीं, तो फिर इन्होंने मुझे अगले दिन दोबारा मैसेज किया, तो लकीली इनसे मुलाकात हो गई। मेरा प्लान भी यही चल रहा था कि हम लोग कुछ अफ्तारियां कवर करें, मेरा प्लान तो था लंदन का, लेकिन इनका आइडिया बड़ा डिफरेंट था कि ये कम्युनिटी है जो मिलके काम कर रही है, तो मुझे ये अच्छी चीज़ लगी। तो फिर मैं 40 मिनट का शायद 35 मिनट का रास्ता था, तो मैं करके आ गया हूँ, और यासिर साहब से मिलते हैं। जी यासिर भाई कैसे हैं आप? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अभी यही चीज डाइजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कहाँ हम आपको लाहौर और ये सारे नॉर्दर्न एरियाज के ट्रिप्स में देखते थे, और आप माशाल्लाह हमारे साथ खड़े, तो मोस्ट वेलकम जी। बस मेन यही था कि चलो एक अफ्तारी का तो बहाना था, मिल बैठे थोड़ा गपशप मारे, तो आपको भी पाकिस्तान की फील आए, तो वो जो फैमिली के साथ रू अफजा पे लड़ाई और पकौड़ों पे लड़ाई वो फिर आज आपको दिखाएं। तो ये बताएं कि कम्युनिटी की ये जो एक्टिविटी है ये कब से चल रही है? ये यहाँ ये नॉर्थहैम्पटन शायर है, पूरे ये काउंटी है, उसके मल्टीपल एरियाज हैं। तो हम लोग हैं वेलिंगब्रो में, और वेलिंगब्रो के बिल्कुल साथ है केटरिंग एरिया, वो वाली जो मॉस्क है वो पहले शुरू में वो लोग किया करते थे, तो वो हमारे यहाँ माशाल्लाह अब कम्युनिटी ग्रो हो गई है, अब सेकंड जनरेशन बड़ी हो रही है, तो फिर अब हमने क्या किया कि एक उस मॉस्क में होती है और गैदरिंग, और एक हमारे अब ये वेलिंगब्रो मॉस्क, वेल एक्चुअली इट्स नॉट अ मॉस्क, इट्स मोर ऑफ अ कम्युनिटी हॉल व्हिच इज फंडेड बाय द नॉर्थहैम्पटन काउंसिल। हम लोगों ने हमारे हिस्से में जी समोसे आए हैं। अच्छा, ये भी मैसेज पहले कन्वे होता है? हाँ बिल्कुल, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, तो इस कम्युनिटी का उसमें लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग है, तो जो लेडीज हैं वो एक वीक बिफोर द इवेंट वो फिर मेन्यू शेयर कर देती हैं। अच्छा, तो फिर जो हमारी बाकी लेडीज हैं वो देखे जंप ऑन इट, सब जो सब तो आसान चीजें फाड़ लो। तो आपने बता दिया कि उमर भट्ट आ रहे हैं? मैं का जी भट्ट साहब आ रहे हैं, मेन्यू डबल कर दो। सही सही। क्या होता है ना कि एक डिश दो फैमिलीज में डिवाइड होती है। अच्छा, तो क्या है कि अब जैसे क्वांटिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल, तो हम मेरे हिस्से में अगर समोसे आए तो कोई और फैमिली भी समोसे लाएगी, ठीक हो गया, और फिर कुछ के पास चावल आ जाएंगे, कुछ फ्रूट चाट हो जाएगी, और कुछ दही बड़े हो जाएंगे। सही सही। तो इस तरह की है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा जो माहौल बनता है ना वो ये है कि इट स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशन इट गिव्स यू दैट कल्चरल टच, वो आपका ना बिल्कुल कि आप एक इज्तमाई अफ्तारी हो रही है, ठीक है, और फिर आपने अपने बच्चों को भी बताना है कि वी आर मुस्लिम्स और उसको प्रैक्टिसिंग रखना है आपने ये चीज। एग्जैक्टली, तो उसमें फिर आपका देखें बाजुमात नमाज हो रही है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफा एक इंग्लिश स्पीकर भी अरेंज किया है, तो वो इंग्लिश में आपको जो कह लें कि हमारे जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली टू कम्पीट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड while trying to teach your children the eastern culture side of things. जी यासिर भाई ने जो चीजें बता दी है ना, तो रोजा तो मुझे पहले ही लग रहा था, वो थोड़ा सा और लगन लग गया, तो अभी चल के किचन में देखते हैं। आज हमें मिले हैं समोसे, यासिर भाई की फैमिली को समोसे मिले हैं बनाने के लिए, और दो फैमिली बनाती हैं समोसे, तो हम देखते हैं कि तैयारी हमारी किचन की कहाँ तक चल रही है। यहाँ पे मुझे बड़े लोग बताते थे कि यहाँ का जो मर्द है ना वो ऑलराउंडर है, वो कारपेंटर भी है, वो प्लम्बर भी है, वो डिजाइनर भी है, वो सारा कुछ ही कर लेता है। तो उसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मुझे ये मिली है कि मैं आपको ना इनका घर है ये विजिट करवाता हूँ, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, मतलब मैं कहीं भी बैठ के अपना व्लॉग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है अक्सर जो घर की बैक साइड पे लॉन होता है ना, अक्सर लोगों ने तो उसमें किचन को एक्सटेंड किया होता है,
लेकिन कुछ इसको क्या कहते हैं आसिफ भाई, कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, इसलिए मैंने पूछ लिया था कि मैं कब आई गलत ना बोल रहा हूं। आप इसको ग्लास हाउस भी कह सकते हो या ग्लास रूम कह सकते हो। वो मैं जिस घर में पहले गया था ना, वो रात का वक्त था, लेकिन मुझे उसकी फील बड़ी अच्छी आई थी, तो इन्होंने भी ये कंजर्वेटरी बनाई हुई है और बड़ा ही खूबसूरत सीन है यहाँ का। देखें आप रात को जब सर्दियां हो, मतलब यहाँ पे कुछ जला ले, बैठ जाए, फिल्म देख ले, तो बड़ा अच्छा सीन हो। तो इसकी जो डिटेल है वो यासिर भाई से पूछते हैं कि यासिर भाई इसका क्या आइडिया, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। कंजर्वेटरी बेसिकली एक है तो एक्सटेंशन टू योर हाउस है, लेकिन ये कि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपका ये जो डे लाइट वगैरह एक आप इसको एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली अगर स्नो वर्क पड़ रही हो तो बड़े मजे का बड़ा खूबसूरत सीन हो जाता है तो यहाँ पे बैठे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग वगैरह इधर दी हुई है, उसकी वजह से ये कि बड़ा अच्छा ये गर्म हो जाती है। ये जो ग्लास है ऊपर, ये एक इसको सोलर पैनल ग्लास कहते हैं, ये इट लेट्स द हीट इन बट डजंट लेट इट आउट, तो वो उसमें रिटेंशन है, हीट रिटेंशन बड़ी अच्छी है, तो बड़ा आपको बड़ा कोजी सा लग जाता है। मुझे ये ज्यादा मजे की लगती है, मुझे ना ये थोड़ा हमारे जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज है ना, मरीशरी में वो उस तरह की फील आती है कि आप उधर जैसे नथिया गली शली बैठो और उधर साथ चाय शाय गर्म लेके। वैसे मैंने पीछे डेकिंग वगैरह की हुई है, हम लोग देखते हैं चल के ये इधर ही बारबेक्यू वगैरह करते हैं। इस पे मैंने थोड़ी लाइटिंग आइटम भी लगाई हुई है, इसको गार्डन शेड बोलते हैं। अब क्योंकि गार्डन जो था वो थोड़ा डेकोरेटेड था, तो हमने इसको इस तरह की लुक दे दी कि जैसे बीच हट नहीं होता। तो ये मैंने इसके साथ अलेक्सा के साथ लिंक किया हुआ है, डेक लाइट्स हैं। अगर आप उस तरफ करोगे ना तो ये देखो, ये फोन के थ्रू ही ये सारी बत्तियां शतियां राती बाल के बैठ जाओ तो ये बाकी फेंस लाइट्स हैं, फिर ये गजीबो लाइट्स हैं थोड़ी अभी आपको नजर। हाँ जी, वो जरा डार्क होगा तो सम विंटर्स यहाँ पे बड़ा जलमाना होता है, तो हमारे जो है काफी बंद कर गया है। अब ये देखें आसिफ भाई की मोहब्बत, इन्होंने अपने फ्रिज पे मीनार पाकिस्तान भी लगाया हुआ है और बादशाह मस्जिद भी लगाई हुई है। आजी वाह, आंटियों को जो जी कर लें, ये इनका पहले गैराज था जिसको इन्होंने रेनोवेट किया है। तो आपका एक्चुअल डेजिग्नेशन क्या है, आप रोल क्या है? मार्केटिंग। अच्छा ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों आ जाते हैं। अच्छा, तो सेल्स का भी आप। वो लेफ्ट लेफ्ट साइड, बाबा लेफ्ट लेफ्ट साइड अगेन। आप बना लो फिर, मैं अगर कहते हो तो खोल देता हूँ। हमारे ना एडवांटेज है। डॉक्टर, वेयर योर चॉकलेट, गो गेट योर चॉकलेट, डोंट फॉरगेट योर लॉलीपॉप। अभी से तीन खाए अभी हमने समोसे वगैरह रख लिए हैं, और तो इनके हमने अब इनका पीछा करना है, 8 से 9 मिनट लगेंगे और टाइम रह गया है कितना अफ्तारी में, 40 मिनट। तो कोई नहीं, 20-25 मिनट भी मिल गए तो ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। निकल ही ना जान मैं भी पहुंचूं। सारी गली जो है वो भरी हुई है पार्किंग से, और मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग वही हैं जो यहाँ पे इफ्तारी के लिए आए हैं। ये कम्युनिटी हॉल है, ये सामने चर्च भी है। विलिंगरा कम्युनिटी सेंटर जो कि हम लोग मुसलमानों के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है, इफ्तारी एवरी सैटरडे, बिकॉज यहाँ पे मुसलमान बहुत कम हैं, बहुत कम फैमिलियाँ हैं पर जो कि मिस करते हैं रमज़ान की जो इफ्तार पार्टी होती है, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना अपना यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। पूरी पूरी फैमिली हम लोगों ने इन्वाइट की हैं। इफ्तारी एवरी सैटरडे विक्टोरिया सेंटर में होती है, हर साल हुआ करेगा, सैटरडे हुआ करेगा, और एनीबॉडी मोस्ट वेलकम। इसलिए नहीं कि सिर्फ मुसलमान है, इसमें एनी रिलीजन मोस्ट वेलकम। बच्चों को भी पता चल जाता है कि अफ्तार क्या होती है, रोज़ा क्या होता है। जैसे पाकिस्तान में हमारी अफ्तारियाँ होती थी और मिलजुल के बैठ के हम फैमिली अफ्तारी करते थे, लेकिन वो चीज़ हम इधर मिस करते थे। तो इस कम्युनिटी सेंटर में जब हम इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं तो इससे हमें ना वो फीलिंग आ रही है और इंजॉय करते हैं उसको। ये सारा हम लोग फूड प्रिपेयर कर दिया है, सब लोग अपनी तरफ से वन डिश लेकर आए हैं हर फैमिली। तो हम लोगों ने लेडीज़ का भी हम एक सेक्शन रेडी कर दिया और जेंट्स का भी। जैसे इंशाल्लाह अफ्तार टाइम होगा तो हम लोग खजूर पानी से अफ्तार अपना रोज़ा
खुलेंगे और फिर हम लोग नमाज का टाइम होगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह खाना सर्व कराएंगे। And the time of Maghrib was coming, and the day was finishing. Mahmud looks at Ayaz. Ayaz, everybody has come virtually gone now. Don't you want anything from my treasure? Ayaz was intelligent. मैंने अपने पिछले वीलॉग में बात की थी कि यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्योंकि उस तरह से माहौल पाकिस्तान वाला या किसी मुस्लिम कंट्री वाला नहीं है, तो इनकी एफर्ट डबल है। और यहाँ के जो बच्चे हैं टीन एजर खासतौर पर, उनको मैंने बहुत ज़्यादा नमाज का पाबंद देखा है। बड़ी खुशी हो रही है लोग जिस तरह से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और जिस तरह से ये सारा सिलसिला मैनेज किया जा रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं, एक इंग्लिश स्पीकर उन्होंने रखे हुए हैं कि बच्चों के लिए रखे हुए हैं, इनको तो उर्दू की समझ आती है लेकिन जो इनकी नई जनरेशन है उसको उस तरह से नहीं पता चलता। और अभी इफ्तारी में 10 मिनट रह गए हैं और बाकी अब खाने का सिलसिला होने लगा शुरू, उसे चल के देखते हैं। अभी नमाज पढ़ ली है सबने और अफ्तारी का ये टेबल है जहाँ पे स्नैक्स हैं, कुछ पिज़्ज़ा, फ्रूट चाट, दही भल्ले, पकौड़े, समोसे वगैरह और भी एक दो चीज़ें हैं। और पहले इनको टेबल पे सर्व किया जा रहा है और खाने के लिए यहाँ पे सफ़ें बिछाई जा रही हैं और इसमें सब लोग काम कर रहे हैं, बुज़ुर्ग भी, छोटे भी, बड़े भी, सब लोग इसमें सवाब समझ के ये काम किया जा रहा है। मैं ब्लॉग के लिए गया था, वो ख़त्म हो गया था लेकिन अल्लाह देखो बिरयानी देती है, बेशक माल का दारमदार जो है वो नहीं है। यासिर भाई ने मुझे काम की बात बता दी है, ये जो स्नैक्स वगैरह हैं, फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे, इनसे आपने पेट नहीं भरना, खाना अभी होगा। उन्होंने पता नहीं मैं अभी नहीं मैं खादा भी खा लांगा। अच्छा मैं भूल गया तुझे बट बाकी सर बड़ी जबरदस्त और ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ा एक बड़ी होमली फील है और एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग खुद भी तहज मैनेज करते हैं, वाइट करते हैं और बाद में खा पी के यहाँ खुद दवाइयाँ भी करते हैं और उन लोगों से बातें कर रहे होते हैं। फिर ये पाते हैं पाकिस्तान और यहाँ की लाइफ में Thank you.